इसी में जो हम अभी ड्रेस पहने हैं ना, तो ये है रॉ मटेरियल, तो इसी में ये सब चीज़ बनता है। ये गांव इतना डेवलप होने का एक ही रीज़न है क्योंकि इसका आसपास में बहुत सारा कंपनी है, जो कि हमारा उड़ीसा में ऐसा नहीं है। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो में आप लोग को कुछ खास देखने के लिए मिलेगा। पहले तो आप लोग मेरा थोड़ा बैकग्राउंड को देख लो, आज मैं कौन सा बैकग्राउंड में शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। तो ये है कुछ गांव का लोकेशन का, जैसा आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये जो रोड है ये अभी गांव का तरफ जा रहा है ना, मतलब मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अभी जो मेरे सामने में आप लोग देख रहे हैं ना, कौन सा खेती है, ये मौका मालूम है ना, मौका, तो ये वही मौका का खेती है। देख सकते कितना बड़ा इलाका में इसको खेती किया गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपका भाई ये सब क्यों दिखा रहे बोल के, तो आपका भाई आज सुबह सुबह मॉर्निंग वर्क आया है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सोचा आपको थोड़ा इस गांव का बारे में भी थोड़ा मैं बता दूं। बिल्कुल सुनसान रोड है, आगे भी कोई नहीं है देखो, और पीछे में भी कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं जा रहा, खाली बिल्कुल ये सुनसान सड़क में आपका भाई अकेला चल रहा है, फिर भी वो मॉर्निंग वर्क में। तो मैं बता दूँ, अभी का जो टाइम हो रहा 7:20 हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं ये तेलंगाना में शायद मैं 8 साल से हूँ, तो वो जो पीछे में आप लोग रोड देख रहे होगे ना, वो टर्निंग, तो उधर उसके बाद मैं ये रोड में कभी भी मैं नहीं आया था, आज मैं फर्स्ट टाइम इधर जा रहा हूँ। तो चलो थोड़ा मैं भाग के आप लोग के साथ बात करूँगा ना। मॉर्निंग वॉक बोले तो थोड़ा रनिंग नहीं करेगा तो क्या मॉर्निंग वॉक का क्या मायने हो गया ना। तो देखो मैं अभी कैसा भाग के जा रहा हूँ, भागने के टाइम में थोड़ा आप लोग को साउंड का ट्रबल आएगा ना। तो ये देखो, ये कौन सा खेती है, ये छोटा छोटा सिम मालूम है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उड़िया में तो वही सिम ही बोलते हैं। तो फ्रेंड ये देखो, ये एक दूसरा गांव में अभी एंट्री करने वाला हूँ, ये गाँव में मैं पहले कभी भी नहीं आया था, ठीक है। मैं वो गांव के बाद इधर मैं कभी भी नहीं आया था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी भी वो गांव के बाद तो दूसरा गांव को मैं कभी जा पाऊंगा बोल के। तो आज मैं फर्स्ट टाइम वो गांव को जाने वाला हूँ ना। वो जो पीछे में जो गांव रह गया ना, वो है जंगनीगुड़ा, जो कि मेरा मैं जिधर रहता हूँ ना, जो कंपनी के पास में वो गाँव है, तो वो गाँव का बाद में मैं कभी भी ये गाँव की तरफ में, ये गाँव का क्या भी नाम है मेरे को भी मालूम नहीं है। तो मैं एक चीज़ आप लोग को बताऊँ, मेरे को बिल्कुल लग रहा है जैसा मेरा उड़ीसा में जैसा खेती होता है, ये तेलंगाना में ही पूरा बिल्कुल सेम ही ऐसा ही खेती हो रहा है। और उधर एक आम का पेड़ है, तो देखो तो चारों साइड मेरा उड़ीसा का जैसा लग रहा ना, लेकिन थोड़ा इधर क्या है, पानी का बहुत कमी है। कितना काउंट करना आप लोग करो, लेकिन ख़त्म ही नहीं होगा, खाली मौका देखने के लिए मिल रहा होगा आपको। तो ये देखो मौका का पेड़ में कितना सारा मौका भी हुआ है, देखो पूरा देख सकते, पूरा मौका का ये सब खेती है ना। और दोस्तों और एक चीज़ देखो, तो खाली आप लोग को खाली भिंडी देखने के लिए मिला होगा, पेड़ में एक पत्ता भी नहीं है, लेकिन भिंडी तो देखो कितना सारा भिंडी का पेड़ है इधर। तो और एक चीज़ देखना, देखो ये रहा रोड, बिल्कुल रोड का बगल में देखो क्या क्या सब चीज़ है। इधर देखो, इधर लौकी, हमारा लौकी गोल होता है, ये लंबा लंबा लौकी। तो मैं आप लोग को बोल रहा था ना, तो ये देखो, ये हम ओडिया में इसको सिम बोलते, हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं। तो ये सब पूरा जो खेती आप लोग देख रहे हैं, पूरा इसी का खेती है। ये सब्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो फ्रेंड, गांव है तो खेत है, और खेत है तो ऐसा गाय भी मिलेगा, देख सकते हैं। ये रहा खेत, मैं अभी खेत में खड़ा हूँ ना, तो ये देखो कितना बड़ा बड़ा घास है, वो घास ही है, मैं सोचा पहले वो पेड़ है बोल के। ये देखो कितना अच्छा है, लेकिन ये कौन सा चीज़ है मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा। मैं तो पहले सोचा था ये बादाम है बोल के, बादाम का पेड़, लेकिन ये बादाम का नहीं है, कोई दूसरा है। तो ये गांव को आकर मेरे को मेरा गांव का याद आ गया, मेरा गांव में भी इतना बहुत ही खेती है और पूरा हरियाली है, तो इधर भी तो वही सब चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। और एक चीज़ इधर मेरे को बहुत अच्छा लगता, जो कि इधर ज़्यादा बहुत ज़्यादा मयूर है, ठीक है। मेरा गांव में मयूर एक आप लोग को देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, किसी किसी के घर में मिलेगा, लेकिन इधर तो आप लोग को जिधर भी जाओ उधर मिलेगा मयूर देखने के लिए, लेकिन मैं वीडियो में नहीं दिखा पाता हूँ, क्योंकि थोड़ी ना वो मयूर मेरे पास में आएगा, वो ज़्यादा दूर में रहता है, लेकिन क्यों, लेकिन वो मयूर का साउंड आप लोग को सुनने में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा।
वो बिल्ली का जैसा साउंड करता है, म्याऊ म्याऊ ऐसा साउंड करता है वो मयूर। तो तभी भी दोस्तों मैं थोड़ा कोशिश किया मयूर को दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा दूर में मयूर है, ठीक है। देखो इन लोग का खेती में भी मयूर घूमता है, तो वो देखो जा रहा है, देखो ये 10x जूम में मैं दिखा रहा हूँ बोल के आप लोग को कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है, स्टैंड रहता तो थोड़ा बहुत आप लोग को दिखने के लिए मिलता होगा। और देखो अभी पूरा नॉर्मल नॉर्मल है, नॉर्मल है बोले तो देखो उधर वो सामने में आपको थोड़ा थोड़ा दिखने के लिए मिल रहा होगा। देखो मैं इधर हूँ तो कितना दूर में मयूर है, मैं उसके लिए बोला मैं मयूर को आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगा, मैं उसके पास जाऊँगा तो वो भाग जाएगा उधर से। पूरा सुबह से मैं अभी 1 घंटा हो गया चल रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं जिसके लिए आया था इधर, मेरे को अभी जो ये मैं अभी स्मार्ट वॉच पहना हूँ ना, तो मेरे को अभी डेली 10,000 स्टेप चलना है, ठीक है। तो ये सब मेरे को ये मेरा स्मार्ट वॉच बता देता है, तो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा मैं कितना चला हूँ बोल के। तो ये देखो अभी अभी तक 8,022, तो अभी 8,022 स्टेप ही मैं अभी चल पाया हूँ। फ्रेंड अभी देखो मेरे पीछे में कौन सा पेड़ है, खजूर का पेड़ भी मेरे को इधर देखने के लिए मिला। और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा पूरा मैं आप लोग को इस वीडियो में बता दूंगा। जे ओडिशा में ये सब चीज़ तो आराम से मिल जाता है, बाहर राज्यों में यह सब चीज़ देखने के लिए जो मिल जाता है ना थोड़ा अच्छा लगता है ना। जो हमारे गांव में जो हमारे गांव में जो सब चीज़ देखने के लिए मिलता बाहर राज्यों में वो सब चीज़ देखने के लिए मिलेगा तो कितना अच्छा लगता है। तो दोस्तों मेरे को सबसे ज़्यादा पेड़ इधर देखने के लिए मिल रहा वो है नीम का पेड़। ये देखो पूरा पीछे में पूरा नीम का पेड़ है, अभी बिल्कुल मेरा जिधर मैं अभी खड़ा हूँ उसका पीछे में भी नीम का पेड़ है। तो ज़्यादा मेरे को नीम का पेड़ और आम का पेड़ इधर देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं बिल्कुल वो दूसरा वाला गांव को भी अभी एंट्री करने वाला हूँ, देख सकते हैं वो सामने में है वो गांव, और इधर से शायद 500 मीटर का दूरी में हूँ, तो अभी आराम से पहुँच जाते और 5 मिनट का अंदर अंदर। देख सकते ये रहा अंथरेड़ी गुड़ा का गांव ना। तो फ्रेंड इस गांव को एंट्री करने का टाइम में ही पहले तो आपको देखने के लिए मिलेगा एक मंदिर, तो ये गांव का नाम है अंथरेड़ी गुड़ा। तो एक चीज़ तो मेरे को मालूम हो गया, तो दोस्तों आप लोग को एक चीज़ देखना है तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो ये क्या है मालूम है आप लोग को, ये है उड़िया में इसको तुला बोलते हैं, ये है रुई रुई। तो इसी में जो हम अभी ड्रेस पहने हैं ना, तो ये है रॉ मटेरियल, तो इसी में ये सब चीज़ बनता है। तो ये देखो कितना सारा पेड़ है, तो बहुत सारा पेड़ है, पूरा पेड़ में ऐसा ही रुई है, देखो तो कितना सॉफ्ट है। तो मैं जितना इधर आकर मालूम पड़ा ये गाँव के बारे में, तो मेरा ओडिशा का गांव से इन लोग का गांव बहुत ही डेवलप है, ठीक है। तो आप लोग को मैं थोड़ा विजुअल उसका दिखाऊंगा। तो गांव में बस चल रहा है, तो इससे आप लोग को मालूम होगा इस गांव कितना ही डेवलप है। तो बहुत सारा गाय भी देखने के लिए मिला इधर, देखो इधर से इस गांव को मैं एंट्री किया था, देख सकते हैं पीछे में भी वो मंदिर है। तो अभी मैं ये गांव से अभी फिर मैं जा रहा हूँ मेरा गांव मेरा गांव तो नहीं है, जिधर मैं रहता हूँ तो उधर मैं अभी लौट के जा रहा हूँ। आज का ये वीडियो में आप लोग को बहुत सारा कुछ चीज़ देखने के लिए मिला होगा, और ये गांव इतना डेवलप होने का एक ही रीज़न है क्योंकि इसका आसपास में बहुत सारा कंपनी है, जो कि हमारा ओडिशा में ऐसा नहीं है, उसके लिए इन लोग का गांव बहुत ही डेवलप है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूं, इन लोग का गांव में आप लोग को भी एक भी कच्चा घर देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो भी दिखने के लिए मिलेगा वो खाली बिल्डिंग है, जो कि मेरा गाँव में नहीं है। तो दोस्तों इससे आप लोग को मालूम पड़ेगा ये तेलंगाना का जो गाँव है कितना ही डेवलप है ओडिशा से। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक करना, ठीक है, और कमेंट तो ज़रूर करना आज का ये वीडियो में आप लोग को क्या क्या सब चीज़ देखने के लिए मिला, कमेंट आप लोग ज़रूर करना। कमेंट करेंगे तभी तो मेरे को मालूम पड़ेगा तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। तो दोस्तों बस आज का ये वीडियो इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय। तो फ्रेंड गाँव है तो खेत
खेत है, और खेत है तो ऐसा गाय भी मिलेगा। ये रहा खेत, मैं अभी खेत में खड़ा हूँ ना, तो ये देखो कितना बड़ा बड़ा घास है, घास का पेड़ है, वो घास ही है, मैं सोचा पहले वो पेड़ है बोल के।